बहुत ही अलग स्टाइल से प्रिपरेशन है। ऐसा मटन और ऐसी ग्रेवी भी मैंने नहीं खाई होगी। देखने वालों, घर से रिव्यू में आपका स्वागत है। क्योंकि बाजार बंद है, लॉकडाउन लगा है, लेकिन घर में शानदार स्वादिष्ट खाना आना बंद नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मन करे तो मन को दबाए ना, बढ़िया खाना मंगवाएं। इसलिए रिव्यू के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें मंगवा रहा हूं। और आप भी ध्यान रखें, कोविड से बच के रहें, अगर घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। और आज ये मटकियां आई हैं, बहुत भारी हैं भाई, बहुत भारी हैं। इसमें है चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी। कहाँ से आई है, क्या रेट है, सब बताता हूँ। चलिए, तो रोहिणी में है एक क्लाउड किचन फार्म टू फॉक। जी हाँ, वहाँ से आया, थोड़ा अंग्रेजी नाम है लेकिन भेज माल नॉर्थ इंडियन हमारे मतलब का रहे हैं। तो इन्होंने मटन बिरयानी भेजी है और चिकन बिरयानी भेजी है, और वो इन मटकियों में भरी हुई है। साथ में ये रायता पैक करके भेजा है, साथ में सलन है इनका, जो कि ये मटन बिरयानी के साथ सर्व करते हैं। मटन बिरयानी का रेट 650 रुपये किलो है, चिकन बिरयानी का रेट 500 रुपये किलो है, साथ में रायता रहता है, और मटन बिरयानी के साथ सलन और रायता रहता है। इसके अलावा इन्होंने कोई स्पेशल मटन भेजा है जिसका नाम इन्होंने ब्लैक मैजिक मटन रखा है, नाम अंग्रेजी रखा है। और ये स्कॉटलैंड में थे जब, जो बनाते हैं मिस्टर अंकित बत्रा, जिनका ये क्लाउड किचन है, तो स्कॉटलैंड में उनके किसी फ्रेंड ने, पाकिस्तानी फ्रेंड ने उनको ये रेसिपी दी थी। तो यहाँ पे इंडिया में जब वो आए हैं तो अब ब्लैक मैजिक मटन के नाम से ये मटन बेचा जा रहा है। सब रिव्यू करेंगे फटाफट। तो लीजिए, टेबल मेरा सज गया है। ये देखिए, ये है चिकन बिरयानी, ये इनका स्पेशल मटन, ये मटन बिरयानी, ये रायता, ये सलन, और ये मेरा शानदार टेबल। तो लीजिए, पेश है इनकी ये मटन बिरयानी है। क्लोजअप देखिए, ये देखिए मटन के पीस बढ़िया से पके हुए बीच में नजर आ रहे हैं बिरयानी के। खड़ा खड़ा चावल नहीं है मटन का, अलग अलग चिपके चिपके हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल बिरयानी है, टिपिकल जैसे हम लखनवी, हैदराबादी या कोलकाता की भी बिरयानी देखते हैं, ये वैसी नहीं है, ये कुछ अलग है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, देसी स्टाइल, ढाबा स्टाइल। तो लीजिए, पेश है चिकन बिरयानी, और ये देखिए टंगड़ी बीच में सजी हुई, टमाटर आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, खड़े खड़े चावल नहीं हैं, अलग अलग, और बढ़िया से चिकन का पीस आपको बीच में पका हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये जो काला सा है, ये है बड़ी इलायची, और ये है इनका मटन। ये देखिए, अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं तो इसमें खड़े खड़े टमाटर आपको समझ आ रहे होंगे, हरी मिर्चें दिख रही होंगी, लहसुन बड़ा बड़ा सा पीस दिख रहा होगा। तो ये मटन की जो ग्रेवी है काफ़ी हटके डिफरेंट स्टाइल की है। बिरयानी और मटन मेरे टेबल पे सज गया है। मैंने आपको अभी क्लोजअप दिखाए, तो क्लोजअप से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये किस टाइप की बिरयानी है। खड़े खड़े चावल नहीं है लेकिन पकी बहुत अच्छी हुई है, और महक बहुत प्यारी है। ये है मटन की, इसकी बहुत स्ट्रांग महक है। उसके बराबर में ये है चिकन बिरयानी, ये देखिए इसकी भी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन वैसी ही है, बड़ा बड़ा सा टमाटर ऊपर, साफ क्लियर समझ आ रहा है कि टमाटर काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये बढ़िया से पका हुआ लेग पीस, ये भी स्टाइल सेम है बनाने का। उसके बाद मैं आपको ये मटन दिखाता हूँ। मटन इनका
थोड़ा सा हटके है। आपको मैंने क्लोजअप दिखाया था, बड़े बड़े टमाटर के पीस बीच, जो कि टमाटर और हरी मिर्च के हो सकते हैं, साफ दिख रहे हैं। अदरक दिख रहा है, तो बड़े बड़े चीजें, बड़े बड़े प्याज टमाटर डाल के इस मटन को पकाया गया है। तीनों में एक चीज जो कॉमन है वो है ऊपर टमाटर के छिलके, आपको क्लियर नजर आएंगे। तो ऑलमोस्ट तीनों की प्रिपरेशन ऐसी लग रही है सेम है। टेस्ट करके देखते हैं कि स्वाद कैसा है इसका। सबसे पहले इनकी चिकन बिरयानी ट्राई करते हैं। पीस देखते हैं, पीस के साथ कैसा मजा। चिकन के बाद ये है इनकी मटन बिरयानी। ये देखिए मटन चाप। बहुत ही उम्दा मटन पका हुआ है। देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों बिरयानी के टेस्ट सेम होंगे, नो डाउट, एक दूसरे के आसपास ही लग रहा है फ्लेवर। लेकिन जो ये मटन है, मटन बिरयानी की खासियत ये है कि जो मटन का अपना जूस होता है, मटन का जो अपने फ्लेवर होते हैं, वो इन चावल के अंदर अच्छे से रचे हुए हैं। दैट मेक्स मोर फ्लेवरफुल। खड़े मसाले डाले गए हैं, मिर्चें थोड़ी सी हल्की सी तेज है, जो जुबान पे बढ़िया टेस्ट छोड़ के जा रहा है। और ऊपर जो टमाटर है वो अच्छा, जो ऊपर टमाटर के छिलके आ रहे हैं, टमाटर बड़ा बड़ा डाला हुआ है काट के, वो बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो दोनों बिरयानी बढ़िया है। मुझे ज़्यादा पसंद मटन वाली आई, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेवरफुल है। और जो चिकन है वो कम मसालेदार है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें फ्लेवर्स नहीं है। खड़े मसालों का ज़रूर पता लगता है खाते हुए कि खड़े मसाले डाल के बनाया गया है। अगर अगर इन दोनों में से एक कोई बिरयानी सिलेक्ट करनी हो तो मैं आपको कहूँगा कि मटन बिरयानी सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी है, फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है। अगर कुछ आप माइल्ड वाले मसाले प्रेफर करते हैं, हल्के मसाले प्रेफर करते हैं, तो मैं फिर कहूँगा आप इनकी चिकन बिरयानी खाइए। तो बढ़िया बढ़िया खा के एकदम मेरे भी पसीने निकल गए हैं। गर्मी में बढ़िया सा मटन खाया है। तो ये और मटन, इनका जो ब्लैक मैजिक मटन है वो ट्राई करते हैं। ये क्या, ये तो बड़ा अलग है। ये देखिए पीस मटन का, इसको खा के देखते हैं कैसा मैजिक है ब्लैक मैजिक। बहुत ही अलग स्टाइल से प्रिपरेशन है। ऐसा मटन और ऐसी ग्रेवी भी मैंने नहीं खाई होगी। बहुत हटके है लेकिन प्रिपरेशन स्टाइल सेम है। बड़ा बड़ा टमाटर के पीसीज हैं जो आपके जुबान पे आते हैं, टेस्ट छोड़ के जाते हैं। मिर्चें हरी डाली गई हैं, बड़ी बड़ी बीज आते हैं। टमाटर हरी मिर्च का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और मसाले बहुत माइल्ड हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें समझ आती है, थोड़ा सा ना जैसे बटर में बनाया जाता है, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी बटर वाली लग रही है। कोई क्रीमी ग्रेवी नहीं है, लेकिन जो बटर से बनाई जाती है ना जैसे ग्रेवी, वैसे है थिक ग्रेवी। और मिर्चों का एक, शुरू में मिर्च नहीं लगेगी जब आप खा रहे हैं उस वक्त नहीं लगेगी, लेकिन अब जैसे कुछ सेकंड हो गए हैं, मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, तो आई कैन फील कि स्पाइसेस हैं। ये है ना बिल्कुल ही अलग टाइप का मटन है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये किसको पसंद आएगा। अगर आप बाजारी मटन खाते हैं जैसे दिल्ली में मिलते हैं होटलों में, या बाहर छोटे छोटे ढाबों पे जो मटन मिलता है दिल्ली में, जैसे
ये उससे बिल्कुल ही हटके है। तो ये है आज का हमारा स्पेशल नॉनवेज रिव्यू। अगर आप यहाँ से रायते के साथ बिरयानी, भाई सुपर हिट है और काफ़ी थिक रायता है। अगर आप कुछ अलग डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा मटन बिरयानी ऑर्डर कीजिए। अगर आप चिकन के शौकीन हैं, वो थोड़े से फ्लेवर कम है, आप चिकन बिरयानी ट्राई कीजिए। मटन जो इन्होंने ब्लैक मैजिक बनाया, ये टोटली अलग है। ये आपको शायद पसंद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ओवरऑल लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्वालिटी अच्छी है, प्रिपरेशन बिल्कुल भी रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अलग बना रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं, और मटन की चिकन की क्वालिटी भी बेहतरीन है, मेरी तरफ से थम्स अप है। अगर आप यहाँ से मंगवाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। रोहिणी में है, रोहिणी से लेके ये वेस्ट दिल्ली में जनकपुरी भी कर देते हैं, कीर्ति नगर भी कर देते हैं, वेस्ट में रजौरी गार्डन भी कर देते हैं, काफ़ी एरिया ये कवर कर रहे हैं वेस्ट दिल्ली का। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं साफ़ सुथरी चीज़ तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में आके बताना कि अगर आपने मंगवाया तो आपको कैसा लगा। होप आपको ये हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कोविड से बच के रहिए, मास्क लगा के घूमें, और चैनल मेरा घंटा बजा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग घर से रिव्यू के लिए, अभी तक बाय।